तुमने मुझे समय पे बुला के बहुत अच्छा किया अब्दुल। आज तुमने एक बच्चे की मदद की है, मालिक तुम्हें इसका फल जरूर देगा। फल तो मुझे मिल गया साईं, आपके दर्शन जो हो गए। प्रणाम साईं। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। नमस्ते। शिरडी से जाने की इच्छा तो नहीं है साईं, फिर भी काम बहुत है, जिम्मेदारियां हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो हम अहमदनगर लौटना चाहेंगे। 4 दिन बाद दशहरा है, छोटा उत्सव होता है द्वारका माई में, उसे मना के जाओ तो अच्छा लगेगा। बाकी जो तुम्हारी इच्छा। आहो, साई कहते हैं तो रुक जाते हैं ना। चांदोलकर साहब, मैं अब्दुल। मैं द्वारका माई गया था साई को ढूंढने। वहां मुझे तात्या मिला, उसने आपके लिए एक संदेश भेजा है। संदेश? उसको आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अगर आज शाम तक आप रुक जाते हैं तो वो खुद आपको लेने आ जाएगा। कह रहा था कि बहुत जरूरी बात है। जरूरी बात? जी। ठीक है, आज शाम तक तो रुक ही सकता हूं। तात्या से कहिएगा, मैं उसका इंतजार करूंगा। जी शुक्रिया। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। केशव जी। बाबा, सुना है उस फकीर को अदालत से बुलावा आया है। आपको कैसे पता? कुलकर्णी सरकार हूं बेटा, आज तक कोई बात छुपी है मुझसे शिरडी में? फिर तो आप सब जानते ही होंगे, मुझसे क्यों पूछ रहे? चिल्ला चिल्ला कर मैं तुम लोगों से कहता रहा, आज प्रमाण सामने आ ही गया। वो फकीर नहीं बल्कि एक ढोंगी है, अपराधी है वो। अपराध तो गरीब किसानों के शोषण को कहते हैं। केशव आओ, अब क्या कर रहे हैं आप? केशव, मैं वो छोटा केशव नहीं रहा बाबा, जिसे आप डरा धमका कर सच बोलने से रोक लेते थे। इसे यहां से लेकर जाओ रुक्मिणी, अन्यथा मेरे हाथों अनर्थ हो जाएगा आज। लेकिन हुआ क्या है केशव, क्या हुआ? सत्य और असत्य की लड़ाई में जब असत्य को अपनी दुर्बलता का बोध हो जाए तो उसे गुस्सा तो आएगा ही ना माँ। चलिए माँ। आप हमेशा गलत जगह उलझ कर अपना समय बर्बाद कर देते हैं, और चाल भी। साई को जो अदालत से चिट्ठी आई है उसमें क्या लिखा है यही जानना चाहते हैं ना? तुम्हें कैसे पता?
इस गांव की पूरी खबर भले ही ना हो मुझे, पर इस घर की सारी जानकारी रखती हूं मैं। और अच्छी खबर ये है कि आप जो पता करना चाहते हैं वो पता करना आसान है। कैसे? यहाँ का जो पोस्टमैन है वो नया है। कौन? डाकिया। यहाँ का डाकिया नया है, नासिक से आया है, इसलिए वो अब तक भक्त नहीं बना है उस फकीर का। आप तो मुखिया है इस गांव के, अपने औहदे या रुपए का फायदा उठाकर जानकारी निकलवा लीजिए। एक बार वो समन कहां से आया था ये पता चल जाए तो बस, बाकी जानकारी निकलवाना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। और हाँ, इस बार आपकी मदद के बदले मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप हर बार की तरह इस बार भी मुकर जाएंगे। आज इतनी दानशील कैसे हो गई तुम बहू? बिना मतलब के तो तुम मरते को पानी ना दो। किसने कहा मतलब नहीं है? जितनी नफरत मैं उस फकीर से करती हूं उतनी कोई नहीं कर सकता है। उससे छुटकारा पाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, और मुझे किसी भी हाल में वो फकीर इस चिरडी से ही नहीं, हमारी जिंदगी से बाहर चाहिए। इस बार मत चुकिएगा। हरिओम हरिओम। वीरभद्र, वीरभद्र, इस जगह की रखवाली के लिए मैं तुम्हारा आभार प्रकट करना चाहता हूं। यहां देखभाल करके तुम किसी का भला कर रहे हो। किसी के मर्ज की दवा है इस पेड़ के तले। तुम्हारा जितना आभार प्रकट करूं कम है। यहां बुला लिया और खुद कहां पे रह गए? किसने देख लिया तो? हे भगवान, मैं अंधेरे में गिरते पड़ते आया और ये ऐसे खुलेआम मशाल लेके जैसे जुलूस निकाल रहे हो। अगर गांव वालों को पता चल गया तो? डाक बाबू, मेरा काम कर दिया? जी, इसमें सारी जानकारी है। साई का समन कहां से आया, क्यों आया, सब कुछ।
हरिओम। हाँ, तुम्हारे पैसे। ये लो। एक रुपया? सरकार, बात तो 2 रुपए की हुई थी। हाँ हाँ, बात तो 2 रुपए की हुई थी, लेकिन क्या है ना, ये मेरे जो सेवक है ना, संता और पंता, ये बहुत मूर्ख हैं, निकम्मे हैं। क्या है, कल जाके इन्होंने गांव में बता दिया कि डाक बाबू ने साई का अहित चाहकर गुप्त जानकारी कुलकर्णी सरकार को दे दी, तो साई के भक्त तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे जमीन में। तो इनका मुंह बंद रखने के लिए मुझे 1 रुपया देना पड़ रहा है। तुम चाहो तो दे देता हूँ, लेकिन फिर परिणाम जो होगा। सरकार, मैंने आपकी मदद की है, और आप मेरे साथ ऐसा कैसे? हाँ हाँ, काम का ही तो दाम दे रहा हूँ। तुम्हारी पिटाई ना हो, इसलिए तुम्हारे नाम पर ही 1 रुपया इन्हें दे रहा हूँ। जी सरकार। सरकार, आप 8-8 आने हम दोनों को दे दीजिए, बंटवारे की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्यों पता जी? हाँ संता जी। चुप बैठा। एक सांप को नहीं भगा पाए तुम दोनों, 1 रुपया क्या फूटी कौड़ी के नहीं हो तुम दोनों। मशाल ठीक से पकड़ो। जी 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 सरकार। हरिओम हरिओम। कुंडी मा शिंदे, धुले गांव के गहनों के चोरी का प्रकरण, अब तो तू गया फकीर, अब ना तुझे तेरा राम बचा पाएगा और ना ही तेरा मालिक। अब ना रहेगी श्रद्धा और ना रहेगी सबूरी। हरिओम। नाना साहब, ये बात कितनी गंभीर हो सकती है? समन को नजरअंदाज करना अदालत की अवमानना होती है। पता नहीं अदालत अब क्या निर्णय लेगी। साई ने ऐसा क्यों किया होगा? चांदोरकर जी, उनके निर्णय समझ पाना हमेशा कठिन रहता है, लेकिन फिर अंत में समझ में आता है कि उन्होंने क्यों किया और क्या किया। पर यहां बात उनके भक्तों की नहीं है, कानून की है, और वो कानून जिसे ब्रिटिश सरकार ने बनाया है। नाना साहब, इन घटनाओं से तो लग रहा है कि आने वाले कुछ दिन साईं के लिए, हम सब के लिए थोड़े कठिन होने वाले हैं, इसलिए आप रुक जाएं तो बात सुलझाने में आसानी होगी। आखिर आप तो कानून के जानकार हैं, और हम आपको कोई गैर कानूनी काम करने नहीं कह रहे हैं, बस साई के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। आपकी मौजूदगी में हमें इस बात का भरोसा रहेगा। मुझे भी यही लगता है कि जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता, मुझे शिरडी में ही रुकना चाहिए। लेकिन चांदोरकर जी, इस बारे में मेरी आई से कुछ मत कहिएगा, अगर उन्हें पता चल गया तो। मैंने सब सुन लिया है।
प्रणाम साईं। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। आओ बैठो। कैसे आना हुआ साईं? पिछले कुछ दिनों से जीव बहुत उदास है। मैंने बहुत कोशिश की बात करने की, समझाने की, लेकिन क्या हुआ है चूते? साईं, इतने सालों से मेरा जीवन, मेरी भूमिका एक मां की रही है। मेरे दिन और रात मेरे गोविंदा की देखरेख में बिताए हैं मैंने। इस बात का मुझे बहुत आनंद है, बहुत समाधान मिला है मुझे। साई गोविंदा तो है, लेकिन अब वो बड़ा हो रहा है, उसकी अपनी एक अलग नई दुनिया बन रही है, जिसमें शायद उसे अब मेरी उतनी आवश्यकता महसूस नहीं होती। अचानक ऐसा लगने लगा है कि मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है साईं। एक अजीब सा सूना बना रहा है, एक अजीब सा खाली बना रहा है। आज तक गोविंदा की देखभाल मेरा जीवन था, लेकिन अगर उससे अब मेरी उतनी आवश्यकता नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगी साईं? साईं, मैं तो समझा कर थक गया। साईं, बच्चे तो बड़े होंगे ही ना। माता पिता की छत्र छाया से बाहर निकलकर अपनी नई दुनिया बनाएंगे। प्रणाम साई। राम जी भला करें। साई, मुझे आपकी मदद चाहिए थी। क्या हुआ? मैंने आज कान्हा जी का व्रत रखा है और उन्हें चढ़ाने के लिए मुझे दही चाहिए। गांव में सबसे पूछ लिया लेकिन किसी के पास भी नहीं है। क्या आपके पास थोड़ा सा दही होगा? हाँ, अभी देता हूँ। साई, आप बैठिए, मुझे बताइए, मैं लेकर आता हूँ। उस टोकरी में? जी साईं। आई, क्या हुआ? नहीं, मैं ठीक हूं। चूतई, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति को कुछ नहीं हुआ है। साईं, यही है। ये लीजिए। धन्यवाद साईं। कुछ समझा चूते? क्या सही? जब श्रीकांत दही लेने के लिए नीचे झुका तो इसकी कमर में लचक आई और तभी इसने सबसे पहले क्या कहा? आई। सबसे पहले इसने अपनी आई को पुकारा, जबकि इसकी आई ने तो कई साल पहले देह त्याग दिया है। फिर भी जब संकट आया, सबसे पहले आई का ही नाम निकला। बच्चों के लिए मां की आवश्यकता, उनके काम करने तक,
या उन्हें खिलाने पिलाने तक ही सीमित नहीं है। यह आवश्यकता तो आजीवन रहती है। मां के अनुभव या उसकी सूझबूझ ही नहीं, कई बार तो केवल मां से खुशी या अपने दुख की बात करना बच्चों का मन हल्का कर देता है। मां का स्पर्श, उसका बच्चे के सर पे हाथ रख देना सारे कष्टों का सामना करने की हिम्मत दे जाता है। मां का आशीर्वाद लेकर हर खुशी संभव लगती है। और रही बात गोविंदा की, तो चिंतई गोविंदा का आत्मनिर्भर होना तुम दोनों के पालन पोषण की सफलता ही तो है। अब तक तुम गोविंदा के सिर्फ माता पिता थे, अब उसके मित्र भी बन जाओगे। इसीलिए इस नए अध्याय का खुले मन से और खुशी से स्वागत कीजिए। अब तुम दोनों का बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला है। इतनी गहरी बात इतने सरल और साधारण तरीके से सिर्फ आप ही समझा सकते हैं साई। अचानक मुझे ऐसा लगने लगा है कि एक माँ के रूप में मुझे नया जीवन मिल गया साई। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ, मैं अभी मेरे बेटे से मिलना चाहती हूँ। लेकिन आई, इतनी रात को आप कैसे जाएंगी? भाईजा, भाईजा शांत हो जाओ तुम। देखो हम सब है, साई को कुछ नहीं होने देंगे, और नाना साहब भी है, वो मामला सुलझने तक यहाँ रह रहे हैं। साई जितने आपके हैं उतने हमारे भी हैं, गुरु माना है उन्हें, आज नहीं आने दूंगा, मेरा विश्वास कीजिए। आप सबकी बातें मैं मानती हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे डरावना सपना मैंने देखा था, ऐसे लग रहा है वो सच होने का समय आ गया है। सपने में भी मेरे साई तक पहुंचने से पहले ही वो लोग उसे गिरफ्तार करके ले गए थे। मुझे साई को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे उसके पास होना चाहिए। भाई साहब, लेकिन वहां होकर भी क्या करोगी तुम? हाय, और हम सबकी रक्षा तो साई करते हैं, फिर भला उन्हें हमारी रक्षा की क्या जरूरत? और ये बात तो हम सबसे ज्यादा आपको पता है। जानती हूं, साई सारे आघातों से ऊपर है, उसे जाकर बचाने की सामर्थ्य इस बूढ़ी मां में नहीं है, इसलिए साई ने मुझे कुछ नहीं बताया। अब बहुत बड़ा हो गया है ना मेरा बेटा, अब उसे आई की जरूरत कहां है? आज्ञा दीजिए साईं। राम जी भला करे। इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, तुम्हारे आंचल की जरूरत तो
हमेशा रहती है माँ। माँ की ममता का सुख पाने के लिए ही तो ईश्वर ने राम और कृष्ण बनकर धरती पर जन्म लिया था। तुम्हारा हाथ मेरे सर पे रहता है तो मुझे भी वही सुख मिलता है माँ। कल का दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन सिद्ध होगा, जानते हो क्यों? हाँ सरकार, कल सुबह कोपर गांव के हेड कांस्टेबल गणपत राम जी जो शिरडी आ रहे हैं। और उस डाक बाबू की दी जानकारी के अनुसार वो उस फकीर को गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाएंगे। हरिओम। इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति में उनके निर्णय को परिवर्तित नहीं होने देना है। कल सबसे पहले गणपत राम जी का स्वागत हम करेंगे और उनकी आंख को ऐसी हवा देंगे कि वो फैल कर उस फकीर के अस्तित्व को ही नष्ट कर दे। परंतु सरकार, जिस प्रकार से उस फकीर के भक्त इस गांव में बढ़ रहे हैं, क्या वो उसे गिरफ्तार करने देंगे? हाँ सरकार, मुझे तो डर है कहीं लड़ाई झगड़ा ना करने लगे। हाँ सरकार, हाँ हाँ, इसलिए आवश्यक है कि किसी को भी इसकी भनक ना लगे। क्या सुन रहे थे छुप छुप कर? क्यों कर रहे हैं आप ये सब? साई को गिरफ्तार करवा के आप आपके धनी हो जाएंगे। एकदम चुप। अभी अभी तुमने जो सुना ना, वो किसी से मत कहना, अपने बेटे से भी नहीं। पर क्यों? इतने सालों में आपने देखा है ना कि साई कितने महान है। कल मेरी गणपत राम जी से भेंट है, उससे पहले यदि तुमने किसी से कुछ कह दिया तो मैं क्या करूंगा पता है? ये तुम्हारा मंगलसूत्र? खींच के निकाल लूंगा और तुम्हें हमेशा के लिए इस घर से बाहर फेंक दूंगा। सच्ची? आज की रात उस फकीर की शिरडी में आखिरी रात होगी। राम किया सोई हुआ, राम करे सो होए, राम करे सो होएगा, काहे कल्पय कोय।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.